हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आसानी से घर पे जो है बहुत ही बेहतरीन सुपर हेल्दी एंड फ्रेश जो है चीकू की जो है केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम इसको बनाने के लिए जो है एक हमने पक्का जो है चीकू ले लिया है, उसके अलावा यहाँ पे हमने एक कटोरी जितना जो है मैदा लिया है, यहाँ पे हमने जो है बटर ले लिया है, रेडीमेड बटर आता है वो है, आप चाहे तो घर पे बनाया हुआ बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पाउडर शुगर ले ली है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कटोरी वाला जो मापदंड होता है मेजरमेंट वो नहीं बताऊँगा आपको, रफली एस्टिमेटेड इसमें सब कुछ करना है। उसके अलावा यहाँ पे हमने किशमिश ली है, यहाँ पे जो है हमने नारियल का भूरा लिया है, कोको पाउडर लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है, और बस इतनी चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो आप जो है इसको कुकर के अंदर या तो कढ़ाई के अंदर या तो फिर इडली का ढोकले का जो बर्तन आता है उसके अंदर भी इसको बना सकते हैं, बट अभी हमारे पास जो है माइक्रोवेव ओवन है तो हम उसके अंदर ही कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है प्रोसीजर, दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब जो है इसको बनाने के प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बैटर तैयार करते हैं, तब तक जो है हमारा माइक्रोवेव ओवन जो है उसको कन्वेक्शन मोड पे प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। तो कन्वेक्शन मोड पे मैं सिलेक्ट कर दिया 180 डिग्री पे, इसको जो है 4-5 मिनट के लिए इसको हम प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। प्रीहीट करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे चीकू को जो है हमने अच्छे से काट लिया है, और अब इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा ही दूध जो है मिला के इसको जो है ब्लेंडर से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी जो है इसको मैश कर सकते हैं, बट ब्लेंडर से ये फटाफट हो जाता है। तो चलिए इसको हम मैश कर लें। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है चीकू जो है उसको हमने अच्छे से पेस्ट उसका बना लिया है। तो अब यहाँ पे हम जो है चीनी डाल देते हैं, पाउडर शुगर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीठा ज़्यादा खाता है, तो उसी हिसाब से तो इसको जो अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लें। और अब यहाँ पे जो है इसके अंदर हम पिघलाया हुआ जो है बटर भी डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अब जो है इसके अंदर हम 1/4 चम्मच जितना जो है बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो बेकिंग पाउडर जो है वो सही मात्रा में डालना ज़रूरी है, नहीं तो ये फूलेगा ही नहीं। तो बेकिंग सोडा हमेशा जो है कम डालना होता है, बेकिंग पाउडर जो है उसके कंपेयर में ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेकिंग पाउडर के कंपेयर में। और अब यहाँ पे जो है हम हमारा मैदा है उसको भी डाल देते हैं, पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर जो है मैदा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, गुठलियाँ ना रहे उसका ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अंदर जो है थोड़ा सा हम कोको पाउडर भी डाल देते हैं, तो चीकू जो होता है वो ऑलरेडी मीठा होता है, तो ज़्यादा शुगर आप ना डालें तो भी चलेगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा हम जो है नारियल का भूरा जो है उसको भी डाल देते हैं। इसको जो अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और बाकी जो ये मैदा बचा है उसको भी मिक्स करके अच्छे से इसका बैटर बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की है। तो अगर ये थोड़ा सा और जो है कड़क रहता है तो आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। बहुत इसको ढीला नहीं रखना है और बहुत ही इसको गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो चलिए यहाँ पे जो है उसको मिक्स करने से पहले हमारा ये टीन है उसको हम कोटिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमारी ब्रेड है वो एकदम से चिपके नहीं तले पे, और उसके ऊपर जो है हम मैदा है उसका कोटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो अच्छा कोटिंग जो है हमने कर दिया है। तो ये हमारा बैटर भी रेडी है, तो इसके अंदर थोड़े से किशमिश डाल देते हैं जिससे खाने में जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए इसको जो है मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किशमिश हमने ऐड कर लिया, आप चाहे तो चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं, टूटी फूटी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और अब इसको जो है हम बैटर को ये हमारे टीन के अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने बैटर को जो है केक के टीन में डाल दिया है। अगर आपके पास स्पेसिफिकली जो है ब्रेड का जो टीन आता है अलग से, अगर वो है आपके पास तो उसके अंदर भी जो है आप इसको डाल सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर ब्रेड का शेप आ सकता है। बट मेरे पास वो टीन नहीं है, तो मैंने जो हार्ड शेप का केक का टीन है उसके अंदर ही डाल दिया है। तो इसको जो है हम अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट तक जो है हमारे माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे और एक बार चेक करेंगे, और अगर केक नहीं पका मतलब ब्रेड नहीं पकी है तो हम जो है और 10-15 मिनट तक उसको बेक करेंगे। तो चलिए इसको जो है माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी प्रीहीट करके रखा है। दोस्तों इसको जो है हम हमारे माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम ये वाला स्टैंड रखेंगे, इसके ऊपर जो है प्रोटीन को रख देते हैं।
हम 20 मिनट के लिए सेट कर देते हैं कनेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमेशा सावधानी रखें, जब भी आप कनेक्शन मोड का यूज़ कर रहे हैं तो अब जो है कोई कपड़े या तो ग्लोव्स को यूज़ करके अंदर के बर्तन को बाहर निकालें, क्योंकि बहुत ही गर्म हो जाता है। और ये जो पूरा बेकिंग प्रोसेस हो रहा है पूरा गर्म हवा से ही हो रहा है, तो अंदर का तापमान जो 180 डिग्री के आसपास होगा तो आपका हाथ जो है जल जाएगा, तो इसको आप सावधानी रखें। तो अभी जो है इसको हम 20 मिनट के बाद जो है देखते हैं कि कैसा ये बना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का समय जो है हो चुका है, तो इसको जो है देख लेते हैं इसको चेक कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक नाइफ लेंगे, टूथ पिक भी आप ले सकते हैं, इससे हम इसको अंदर डाल के एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे एकदम अभी क्लियर नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा और इसको जो है हमको पकाना पड़ेगा। थोड़ी सावधानी बरतें, बहुत ही गर्म रहता है ये। तो अभी जो है 4-5 मिनट इसको और चला लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तक जो है इसको बेक कर लिया है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको जो है हम बाहर निकाले थे, बहुत ही सावधानी से निकाले इसको, ये काफ़ी जो है अंदर गर्माहट हो गई है। और इसको जो है हम खुला रख देते हैं जिससे कि इसकी गर्मी जो है हमें निकल जाए। और इसको भी जो है केक के टीम को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बाद में जो है इसमें से हम केक को बाहर निकालेंगे और एक सर्विंग प्लेट में डाल देंगे और चेक करेंगे काट के कैसी बनी है। दोस्तों यहाँ पे हमारा केक जो है ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसको जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, काफ़ी अच्छी जो है स्मेल इसमें से आ रही है और काफ़ी जो है स्पंजी भी दिख रहा है। तो ये वाला जो है हमारा ब्रेड है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इसको ब्रेड भी बोल सकते हैं, केक भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सेम प्रोसीजर से जो है आप बनाना ब्रेड, बनाना मतलब चिकू ब्रेड, बनाना ब्रेड, कोई भी फ्रूट जो है उसका ब्रेड बना सकते हैं और अपने बच्चों को जो है खिला सकते हैं और आप खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी जो है स्पंजी और एकदम जो है बढ़िया केक, केक तो नहीं इसको ब्रेड बोलेंगे, ब्रेड जो है इसको यहाँ पे हमने बनाया है, बहुत ही बढ़िया है और इसका जो है टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें।